MIUI 12 का अपडेट मिला नहीं मिला मुझे पता है। पता है क्यों नहीं मिला है? क्योंकि MI वालों ने फिर से एक नया डेट रिलीज कर दिया है। जी हाँ, फिर से एक नया डेट निकल के आ गया भाई। तारीख पे तारीख कब फैसला होगा भाई पता नहीं, लेकिन जब भी फैसला होगा भाई इंतजार है हमें बेसर्विस है, और उसके साथ गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक और नया इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है track.in के तरफ से, जहाँ पे आपको नया टाइम टेबल देखने को मिल जाता है। भाई ये लोग MIUI 12 अपडेट तो दे नहीं रहे हैं, बस फोन लॉन्च कर रहे हैं Redmi का, MI का, और Redmi को रीनेम करके Poco बना के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। इसके अलावा जो अपडेट देना है वो तो दे नहीं रहे हैं। लगता है कि जितने भी डेवलपर्स हैं उनको छुट्टी पे भेज दिए हैं और भाई क्या काम से बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि ये लोग पूरी टीम मिल के कुछ गिने चुने डिवाइसेज का एक अपडेट बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई क्या कर रहे हो आप लोग, समझ में नहीं आता है। लेकिन आगे चलते हैं न्यूज के ऊपर, जो कि आज की लेटेस्ट न्यूज है MIUI 12 के बारे में। आई नो डेट आप काफी ज्यादा गुस्सा होने वाले हो, मैं खुद पर्सनली काफी ज्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि मैं नोट 7S का वेट कर रहा हूँ कब MIUI 12 आएगा, पोको F1 का वेट कर रहा हूँ कब MIUI 12 आएगा, लेकिन ये लोग फिर टाइम ही दे रहे हैं, अपडेट तो दे नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं शेड्यूल के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो तो कुछ ऐसे डिवाइसेज भी मेंशन है जिनको काफी टाइम पहले अपडेट मिल गया था, जैसे कि Redmi का K20 Pro, Redmi K20, Poco X2, MI 10, इनको तो रिलीज हो चुका है काफी टाइम पहले, लेकिन और अदर डिवाइसेज जिनको मिलना था उनका टाइम टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा Redmi का Note 9, इसे मिल चुका है फाइनली, अक्टूबर का टाइम दिया हुआ है। Note 9 Pro, इसे भी मिल चुका है, अक्टूबर का टाइम दिया हुआ है। Note 8, जिसको मिलना था लेकिन अभी तक नहीं मिला है, बार बार पोस्टपोन हो रहा है, और अक्टूबर का टाइम रखा गया है। अक्टूबर में कब मिलेगा भाई कोई कंफर्मेशन नहीं है, मे बी एंड ऑफ अक्टूबर भी जा सकता है, क्योंकि 12 के अपडेट के नाम पे दो 11 के अपडेट चिपकाए गए हैं, जो कि 11.0.5 था, उसके बाद आया लेटेस्ट दो दिन पहले 11.0.11, जिसमें सिक्योरिटी पैच वगैरह अपडेट किया गया है, जबकि हम वेट कर रहे हैं MIUI 12 का, लेकिन वो नहीं मिला। Redmi का Note 8 Pro, इसको तो काफी टाइम पहले मिल चुका है। उसका Redmi का जो Note 7 है, इसका नया टाइम टेबल आपको देखने को मिलता है अक्टूबर या नवंबर, यानी एंड ऑफ अक्टूबर या स्टार्टिंग नवंबर। भाई इतना डिले क्यों हो रहा है भाई, इसे वन मंथ पहले टाइम टेबल में रखा गया था, फिर भी इतना ज्यादा डिले। Note 7 Pro के साथ कुछ अजीब सा सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे Note 7 Pro यूजर्स के 50% यूजर्स को मिल चुका है MIUI 12, और 50% यूजर्स को अभी तक शायद देखने को नहीं मिला है। आप किन में से हो, मिल चुका है उनमें से या नहीं मिला है उनमें से, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर मिल गया तब काफी ज्यादा लकी हो, नहीं मिला है तो भाई आप जैसा अनलकी भाई और शायद कोई नहीं है, क्योंकि आधे यूजर्स यूज कर पा रहे हैं और आधे यूजर्स भाई बैठे हुए हैं कि कब उन्हें अपडेटर में शो होगा। और यहाँ पे टाइम टेबल तो भाई बढ़ाते ही जा रहे हैं। उसके बाद पोको का M2 Pro, जो कि अक्टूबर नवंबर रखा गया है, पोको F1, जिसमें हीटिंग इशू बता बता के टाइम को बढ़ा रहे हैं। एक पोको का सेपरेट टीम आ चुका है इंडिया में, लेकिन इनसे एक फ्लैगशिप डिवाइस का MIUI 12 का रोम बिल्ड नहीं हो रहा है। भाई क्या टीम कर रही है पता नहीं। उसका नोट 7S यहाँ पे फिर से अलग कर दिया गया है, यहाँ पे नोट 7 है, नोट 7S है, जबकि दोनों सेम डिवाइसेज है, बट यहाँ पे अलग टाइम लिखा गया है। यहाँ पे Redmi का जो 8 है इसको नवंबर में मिलेगा, 8A को भी नवंबर में मिलेगा, 8A ड्यूल इसके लिए भी नवंबर में टाइम टेबल यहाँ पे रखा गया है मेंशन। Redmi का जो 7 है इसका भी नवंबर है, Redmi का 7A है इसके लिए भी नवंबर का है, Redmi का जो 6 Pro है इसमें भी सेम कंडीशन है, 50-80% यूजर्स को मिल गया है, और 50-80 के अलावा 20% यूजर्स को नहीं मिला है। आप किन में से हो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि भाई अगर नहीं मिला तो आपको भी नवंबर तक वेट करना होगा, अगर आपको मिल गया तो भाई आप एंजॉय तो कर ही रहे होगे MIUI 12 का। उसका Redmi का जो 6 है इसको भी नवंबर में देखने को मिलेगा, और जो 6A है इसको एंड ऑफ 2020 यानी एंड गेम ही यहाँ पे बना दिया है 6A के साथ, तो भाई लंबा इंतजार भी करना पड़ेगा आपको MIUI 12 के लिए। उसका Redmi का जो Note 5 है इसको भी एंड ऑफ 2020, और Redmi का जो Note 5 Pro जो कि वाइडेड है इसको ईयरली 2021 रखा गया है, यानी भाई नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकता है। कोई भी कंफर्म डेट नहीं है, क्योंकि भाई MI वाले खुद डेट बता के उसे एक्सपेंड कर देते हैं, तो भाई हम नॉर्मल से बंदे कहाँ से फिक्स डेट बताएं, जब जो रोम बिल्ड करने वाले हैं उनको ही नहीं पता है कि हम कब बना के देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। हम तो बस आपके साथ इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर सकते हैं जो कि आगे से निकल के आती है, और अपडेट आएगी तो उसका रिव्यू, इससे ज़्यादा तो भाई जितना होता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक नॉलेज को पहुँचाएं। वहां पे नीचे की ओर आते हैं तो Redmi का जो Y3 है इसको भी एंड ऑफ 2020 यानी एंड गेम हो गया इसके लिए भी। उसके बाद आता है Redmi का Note 6 Pro जिसका ईयरली 2021, यानी Note 6 Pro और Note 5 Pro इन दोनों को भाई सबसे लास्ट में अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे और भी कई सारे डिवाइसेज है जिनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है,
और जो कि नए नए लॉन्च हो रहे हैं, तो उनके लिए कोई टाइम टेबल तो अभी तक रखा नहीं गया है। पता नहीं कब टाइम के अंदर उन्हें इंक्लूड करेंगे, या फिर रेडमी का जो नोट 9 प्रो मैक्स था जिसको सडनली अपडेट देखने को मिल गया, शायद उसी तरीके से उन डिवाइसेज को भी देखने को मिल सकता है। बट जैसे भी होगा, जिस तरीके से अपडेट आएगा, मैं उसके डिटेल और रिव्यू अपने चैनल पे, अपने कम्युनिटी टैब पे शेयर करता रहूंगा। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना है। और आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, पता है कि भाई आप लोग दुखी हुए होंगे आज के टाइम टेबल को सुन के, लेकिन अगर अच्छा लगा है, आप भी मेरे तरह से नाराज हो, गुस्सा हो जैसा कि मैं हूं, तो वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा शेयर सोशल मीडिया पर जरूर, ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल पाए और मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक और जो भी न्यूज है वो आप तक लेकर आता रहूं। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।